कुछ गिने चुने लोग जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये आजकल जो स्थिति है इस पर आप कुछ कहें। मैंने उनसे कहा, कौन सी स्थिति? उन्होंने कहा, अरे और कौन सी स्थिति, यही कि लॉकडाउन इतना चल रहा है, लोग घरों में बंद हैं, चारों तरफ महामारी फैली है, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, क्या कहूँ, इस पर कुछ कहने का भाव नहीं उठ रहा। उन्होंने कहा, नहीं, आप हमारे कहने से उस भाव को उठाइए और कुछ कहिए। तो खैर, मैंने उनसे कहा कि चलो तुमको एक कहानी के माध्यम से सारी बात बताता हूं। बचपन की कहानी। बचपन में हमें निबंध लिखने को दिए जाते थे और निबंधों में बहुत सारे विषय होते थे, लेकिन मैं उनमें से उन विषयों को चुनता था जिसमें कहा गया होता था कि महात्मा गांधी से बातचीत, नेताजी सुभाष चंद्र से बातचीत, या स्वप्न में हनुमान जी से बातचीत, किसी वैज्ञानिक से बातचीत, कवि से, किसी पेड़ से, पहाड़ से। एक बार आया था कि स्वप्न में गंगा से बातचीत। तो ये सब विषय मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि इसमें मेरी कल्पना को उड़ने की बहुत संभावनाएं दिखाई देती थी। एक अनंत और खुला आकाश था, नील गगन, जहां मेरी कल्पना अपने पंख लगाकर उड़ सकती थी। अब इस तरह के निबंध नहीं दिए जाते बच्चों को, अब तो निबंध ही समाप्त हो गए। अब छोटे छोटे से अनुच्छेदों में उनकी जिंदगी को बांध दिया है, वो भी बड़े टेक्निकल होती हैं ज्यादातर, इस प्रकार के बंद हो गए हैं देने। तो खैर, तो ऐसे ही एक निबंध की छाप कहीं भीतर रही होगी तो सपने में मुझे धरती माँ दिखाई दी, मदर नेचर, अर्थ। तो यही सवाल जो मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा, मैंने धरती माँ से पूछा कि धरती माँ आजकल आपने ये क्या किया हुआ है? बोली, कुछ नहीं किया, करना क्या है? जब बाल कृष्ण यानी भगवान कृष्ण बचपन में यशोदा मैया को बहुत सताते थे तो वो उनको उखल से बांध देती थी, बांध दिया, पड़े रहो यहाँ पर, तुमने सता सता कर बुरा हाल कर दिया, नाक में दम कर दिया। तो भगवान कृष्ण को बांध दिया जाता था उखल से, बंधे रहेंगे, शांत रहेंगे तो ऊर्जा कुछ नीचे जाएगी, तो मैया को काम करने का कुछ मौका मिलेगा। हजार काम है माँ को करने के घर में, अब वो भगवान कृष्ण करने ही नहीं देते थे, एक यहाँ तो भगवान कृष्ण हो गए। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको असामाजिक तत्व कहते हैं, तो कानून और व्यवस्था क्या करती है, उनको कारागार में डाल देती है एक तरफ, कि तुम यहीं रहो, तुम समाज में रहने योग्य नहीं हो। तो धरती माँ को इतना नुकसान पहुंचाया मनुष्य ने, इतनी हानि पहुंचाई कि धरती माँ को विवश होकर ये करना पड़ा कि तुमको बांध के मैं एक तरफ डाल दूं सबको, कुछ सीखोगे, समझोगे, और मुझे अपने भी तो चिकित्सा करनी है। अब धरती माँ अपनी कहां से अपनी चिकित्सा करे, अपनी हीलिंग कैसे करे? नेचर अपने आप को खुद हील करती है, स्वयं चिकित्सा, आत्म चिकित्सा। अब इन दिनों मैंने कई समाचार ऐसे देखे कि धरती की जो ओजोन लेयर है वो अपने आप को ठीक कर रही है, आकाश नीला दिखाई देने लगा है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको अभी कुछ फोटोग्राफ अंत में दिखाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो जिसमें दिल्ली का आकाश कितना नीला दिखाई दे रहा है, जो मैंने कभी नहीं देखा। हिमालय में तो बहुत देखता था मैं नील गगन, और वो गीत भी मुझे कई पुराने याद आते थे कि नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, या नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया, या नीला आसमान सो गया। कितने इस तरह के सदाबहार गीत हैं जो हमेशा याद आते थे, और दिल्ली में दिखाई नहीं देते थे नीले आसमान जैसी चीजें, पर आज सब दिख रहा है। अभी कल ही कोई कार का हॉर्न बजा गया तो सारे पक्षी पेड़ों के बुरी तरह से डर के उड़े, मैं भी हिल गया, भूल ही गए हॉर्न क्या होता है। अभी भी एक छोटी सी आवाज आई होगी पीछे हॉर्न की, हुआ क्या? दिन भर प्रेशर हॉर्न, गंदे नदी नाले, गंदे नाले जितने सब नदियों में फेंके जा रहे हैं, फैक्ट्रियों का जितना केमिकल वेस्टेज है वो सब नदियों में फेंका जा रहा है,
नदियों के अंदर से रेत चोरी किया जा रहा है, पहाड़ के पहाड़ों के पर जो जंगल थे सारे काट दिए गए। क्या क्या गिनवाऊं, एक चीज हो तो गिनवा भी दो, तो अब धरती अपना कुछ तो रास्ता निकालेगी ना। और एक समय ऐसा था कि धरती पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। तो धरती माँ ने माँ सरस्वती का सहारा लिया, मंथरा के मुख से कुछ कहलवाया, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और राम ने राक्षसों की एक बहुत बड़ी प्रजाति को समाप्त कर दिया, वो जो मनुष्यता के लिए घातक हो रही थी। धरती तो अपना काम करेगी, मनुष्य नहीं सुधरेगा। लेकिन अभी कोई भी राष्ट्रीय नेता मनुष्यों को थोड़ा सा उच्चता की ओर ले जाने के लिए उनसे कहे कि भाई पूरा देश मेरा एक दिन के लिए, अगर सब कुछ सामान्य चल रहा होता, मानकर चलिए कोई महामारी ना फैली होती, और कोई भी एक राष्ट्रीय नेता आपके मन की शांति के लिए, अब लोग क्या करें मन की शांति के लिए, कोई किसी मेडिटेशन सेंटर में जा रहा है, कोई कोई अलग अलग तरह के कोर्स कर रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कोई राष्ट्रीय नेता कहता सुनो सारी बातें छोड़ दो, मन की शांति के लिए तुम सब एक दिन के लिए अपने आप को लॉकडाउन कर लो, तो देखो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाता, पानी पी पी कर उसे कोसता। जबकि अगर वो ऐसा निर्णय तुम लोगों के लिए लेता तो क्या करता, तुम्हें अध्यात्म की मार्ग की ओर, आत्म शांति की मार्ग की ओर ही अग्रसर करता, लेकिन तुम उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। हाँ, योगियों को ये बात अच्छी लगती, योगी सदा इस बात की सराहना करता एकांतवास की, लेकिन योगी तो सारे हैं नहीं ना, भोगी हैं। अब भोगियों के संसार में क्या होगा, एकांत कोई नहीं चाहेगा। मुझसे हजारों लोग नाराज हो गए इसीलिए, जो मेरे संपर्क में आए, मैं उनको 1 घंटे ध्यान के लिए बोलता था, प्रेशराइज भी करता था, दबाव डालता था उन पे, और दबाव कौन किसका मानता है, यहाँ लोगों को तो लगता था हम इतने बड़े पोस्ट के लोग, हमारे नीचे हजारों लोग काम करते हैं, और ये आदमी हमें कह रहा है कि रात को उठो 12 बजे और उठ के सिमरन करो 1 घंटा, ये पागल है क्या। तो लोगों ने मुझे पागल करार दिया, जिन जिनको भी मैंने ध्यान की ओर अग्रसर करना चाहा, कोई नहीं गया। और आजकल वो लोग जो 1 घंटे क्या 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठते थे, जो कहते थे हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, ये सब हम ऐसे ही छोड़ दें क्या आपके 1 घंटे के ध्यान के लिए, आज भी वो ये नहीं कि ध्यान कर रहे हैं घर बैठे, आज भी वो व्यापार की ही उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि जब खुलेगा तो क्या करेंगे, या अभी इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यापार को किया जाए। ध्यान की ओर जाना बहुत मुश्किल है, और प्रकृति ने ये जो अवसर दिया कि आत्मलीन होने का, भीतर जाने का अवसर दिया है कि सोचो तुम कहाँ जा रहे थे। पूरी धरती पर मनुष्य जब से आया है उसने क्या किया, सिर्फ लड़ाइयाँ ही की और क्या किया। जितना धन धरती के मनुष्यों ने विनाशक हथियारों को बनाने के लिए खर्च किया है, उसका आधा धन भी वो यदि इस धरती को सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए करते तो निश्चित रूप से इस धरती पर केवल धनी लोग होते, निर्धन तो कोई होता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज भी ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन हथियारों की दौड़ में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हथियारों का नुकसान किसको होगा, मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होना इस हथियार से, धरती को होना। और धरती चाहती है संतुलन बनाना, और वो बना भी लेती है। तो इन सब चीजों से मनुष्य शायद ही कुछ सीख पाए, शायद, मैं इसलिए कह रहा हूं, देख लेना जैसी सारी स्थितियां सामान्य होंगी सब वही ढर्रा चल पड़ेगा, 2-4 दिन कुछ 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 ठीक रहेगा, कुछ कुछ, और उसके बाद सब, और शायद पहले से भी ज्यादा मनुष्य उग्र होकर इस धरती को बिगाड़ना शुरू करे। तो चलिए, ये सब बातें तो हो गई, अब मैं आपको आज की फोटोग्राफ दिखाऊं जिसमें नील गगन में उड़ते बादल आ और नीले गगन के तले धरती का प्यार पले जैसी गीत हमें अनुभव होंगे।